मैं डॉक्टर संजीव सिंह, सहायक अध्यापक एमएड। मैं अखिलेश यादव, प्रवक्ता बीएड। डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा, बीएड सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा। मैं डॉक्टर रचना मिश्रा, मैं प्रवक्ता हूँ बीएड डिपार्टमेंट में। जी, मैं मुक्तिमणि शुक्ला, बीएड डिपार्टमेंट से बीएड प्रवक्ता। मैं डॉक्टर अनुराधा घट। मैं पल्लवी प्रजापति। मैं प्रायश्ता दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीसीए डिपार्टमेंट। मैं नीलम जयसवाल, बीएड प्रवक्ता। मैं चंद्रकांत पांडे, प्रवक्ता बीएड। मैं डॉक्टर मनोज, प्राचार्य सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा। मैं मनोज शर्मा, रजिस्ट्रार सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एचकेपी स्कूल से लक्ष्मी हूँ, एज ए स्पोर्ट्स टीचर। मैं एचकेपी इंटर कॉलेज सीतापुर से रचना रसोगी लेक्चरर हूँ। मैं एचकेपी में लेक्चरर हूँ, मेरा नाम प्रमिला सरोज है। डॉक्टर अमिता सिंह। नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, केयर ऑफ सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है और इस वक्त आप जेके एन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। इस वक्त मैं शिक्षण संस्थान में मौजूद हूं और यहां पर शिक्षकों से जानते हैं, तमाम शिक्षकों से जानेंगे कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके वो दो सुझाव जो महिलाओं के सशक्तिकरण में वाकई कामगर हो सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोज, प्राचार्य सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सभी लोग महिला के सम्मान में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और नारी, जैसा कि अभी इस चर्चा में बात हुई है कि एक तरह से किसी गाड़ी के दो पहिए हैं, उसमें एक पहिया महिला है और एक पहिया पुरुष है। गाड़ी तभी तेज़ रफ्तार से चल सकती है जब वो दोनों पहिए सही ढंग से काम करते हों और दोनों अपनी जिम्मेवारियों को समझते हों, दोनों के सम्मान को समझते हों और दोनों एक दूसरे के विकास की बात सोचते हों। महिला पूजनीय इसलिए है और पुरुष से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जन्म देने का अगर किसी को वरदान अगर ईश्वर ने दिया है तो वो केवल महिला है जो कि जन्म दे सकती है, इस संसार की रचना कर सकती है, सृष्टि की रचना कर सकती है, मानव जाति की रक्षा कर सकती है। सर, यहीं पे रोकना चाहूँगी। सर, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यदि सरकार तक दो सुझाव आप देना चाहते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे पहली तो आवश्यकता यह है कि अभी भी भारत जो है वो केवल साक्षरता से जूझ रहा है और कहाँ हम आसमान में और चांद और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता तो हमको लग रहा है कि महिलाओं की शिक्षा इतनी उन्नत की जाए कि वो ये जान सकें कि हमें क्या क्या अधिकार संविधान ने दिए हुए हैं और तब वो शायद मुझे लगता है ज़्यादा सशक्त महिला बन पाएंगी। तो नारी शिक्षा को पहले एलिवेट किया जाए ग्रामीण स्तर पर, तो ये सबसे ज़्यादा सही होगा। और दूसरा सुझाव शिक्षा, दूसरा ये है कि घर में जो पार्शियलिटी है, बायस्ड होकर के लोग जो काम करते हैं, एटीट्यूड अभिवृत्ति कि पुरुष श्रेष्ठ है महिला श्रेष्ठ नहीं है, इसको दूर किया जाए। और श्रेष्ठ करने का तरीका सिर्फ यही है कि लिंग भेद को ख़त्म किया जाए, और लिंग भेद खत्म करने का भी तरीका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शिक्षा ही है। मुझे लगता है कि शिक्षा जो है सभी बुराइयों की जड़ को ख़त्म करने का सबसे उत्तम साधन है। नीलम जयसवाल, बीएड प्रवक्ता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनको महिलाओं के लिए जागरूक करें, बताएं कि कौन सी योजनाएं सरकार आपको दे रही हैं, क्या है आपके लिए योजनाएं, और उनको साक्षर बनाएं और उनके लिए एक बेरोजगार की व्यवस्था करें। क्योंकि जब रोजगार होगा महिलाएं अपने अधिकारों को जानेंगे, वो अपने आप से काम करेंगे, अपने आप से स्वावलंबन बनेंगे, तो उनका अधिकार बढ़ेगा और कर्तव्यनिष्ठ बनी। मैं चंद्रकांत पांडे, प्रवक्ता बीएड। मैं इस पक्ष पर यह कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं चल रही हैं उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से हो, उसका जो है क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा और साक्षरता की बात हो रही है, यहाँ साक्षरता की बात हो, शिक्षित होने की बात करने की बात नहीं हो रही है। जो योजनाएँ चल रही हैं 70% महिलाओं को उनकी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दी जाए। और इसके अलावा उनको ये भी बताया जाए कि इससे अब वो जैसे बैंकों ने उनको समूह बनाकर कर्ज देने की बात की, तो ऐसे ही समूह बनाकर जो है योजनाओं को जो है उनकी जानकारी दी जाए और उनके मूल्यांकन के लिए उनके सतत प्रयास किया जाए। मैं डॉक्टर सुमन मल्होत्रा, सेक्रेटरी सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा सीतापुर। जैसा कि इस समय महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है वो बदला जा रहा है,
हमारा परिवार ऐसा है जो समय सदियों से चला आ रहा है और उसमें महिलाओं को इतना महत्व न दे करके पुरुषों को महत्व दिया जाता है या बेटियों को स्थान न दे करके बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है परिवारों में और उन्हीं को सशक्त किया जाता है कि बेटे जो कुछ हैं वो बेटियां नहीं हो सकती। इस धारणा को हमको महिलाओं के बीच से ख़त्म करना है कि बेटी और बेटा दोनों में कोई अंतर। डॉक्टर अमिता सिंह, महिलाएं जो है ना वो उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आगे चल के अपना कार्य स्वयं कर सकें और अपने अधिकार को स्वयं वो मतलब प्राप्त कर सकें। जी मैम बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गांवों में अपने दो सुझाव। मैं HKP में लेक्चरर हूँ, मेरा नाम प्रमला सरोज है। और महिलाओं की जहाँ तक सुरक्षा सशक्ति की बात है, सरकार ने योजनाएं तो बहुत अच्छी चलाई हैं और योगी जी तो इस में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो अपनी तरफ से सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार या जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं उनके लिए, कि महिलाओं को उनसे रिलेटेड योजनाएं तो बहुत चलती हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, और इसमें चाहे तो वो स्वयं से भी संस्थाओं से मदद लें या कुछ इस तरह का वो प्रबंध करें कि गांव की महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि उनको आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है। बिल्कुल है ना, क्योंकि उनको उनके लिए योजनाएं चलती हैं और वो कागज़ पे सिमट के रह जाती है, उन तक पहुँच ही नहीं पाती है। बिल्कुल, इसमें सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है। मेरा नाम नीलम मिश्रा है और मैं हिंदू कन्या महाविद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, और मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में यही कहूँगी कि महिलाओं को स्वयं में जागरूक होना चाहिए। उनको ये ज़रूरी नहीं कि कोई हमको बताए, हम जितना देख रहे हैं जितना जान रहे हैं आजकल जितना भी करेक्शन है उससे आपसे हमको खुद अपने आप में डेवलप होना पड़ेगा। अच्छा हाँ मैडम, सुझाव दे दीजिए कुछ। सुझाव में यही है कि भाई हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जितनी भी नीतियाँ चलाती है वो अच्छी ही चलाती है, हमारे हित में ही चलाती है। वो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स है, जूनियर की टीचर्स है, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, इनके थ्रू गांव में जाके लड़कियों को बच्चों को गाइडलाइन करें, हम लोग बच्चों को यहाँ गाइडलाइन करते हैं। मैं मनु शर्मा, रजिस्ट्रार सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखिए आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर सरकार द्वारा पूरा ध्यान है। इसमें कुछ सुझाव है हमारे जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जैसे कि पुलिस है, महिलाएं पुलिस से बहुत ज़्यादा डरती रहती हैं, उसके लिए पुलिस को अपना रोल निभाना पड़ेगा। इसके लिए गांव-गांव जाके पुलिस को कुछ वर्कशॉप होनी चाहिए, गांव से गांव की महिलाओं के बीच बैठ के महिला पुलिस है उसको बताना चाहिए कि क्या उनके लिए सरकार कर रही है, किस तरीके से उनको सशक्त बनाया जा रहा है, क्या क्या योजनाएं हैं, 1090 है, 112 है, इसके द्वारा किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, उसके ऊपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ हैं, सामाजिक संस्थाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनको भी गांव-गांव जाके महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। मैं डॉक्टर संजीव सिंह, सहायक अध्यापक MED। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि जो दो मुख्य बिंदु हैं महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं, वो शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता ऐसे दो बिंदु हैं जिनके द्वारा हम महिलाओं को, पहली बात तो शिक्षा जब प्राप्त होगी तो वो उसी के द्वारा अपने अधिकारों को पाने के लिए सक्षम होंगी, और अपने अधिकारों को पाने के लिए जागरूकता उनको बहुत ही ज़रूरी है। जब समाज जागरूक होगा तभी वो उस प्रकार से अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे बढ़कर आएंगी। ओके सर, तो कैसे सर पहुंचेगी गांव में, इसके लिए कोई आइडिया अगर देना चाहें तो? आइडिया तो यही है कि सरकारों को इसके प्रति कटिबद्ध होना चाहिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए भी जा रहे हैं, और उससे बढ़कर भी वो धरातल पर उनको देखना चाहिए कि उसके प्रति कितना कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। अखिलेश यादव, प्रवक्ता BED। मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो शिक्षक लगाई जा रही हैं महिलाएं 20%, उसको और बढ़ा दिया जाए, कम से कम 33% महिला शिक्षक विद्यालय में होनी चाहिए। ओके, इससे सुधार संभव है। जी जी,
ग्रामीण महिलाओं के लिए भी इसी से? जी जी, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी इसी। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा, बीएड सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बात कहना चाहेंगे, बीएड के शिक्षक होने के नाते महिलाओं की जो शिक्षा की बात है उसमें एक टेक्नोलॉजी का रोल मॉडल आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिटेड ऑफ नॉलेज और डेवलपिंग ऑफ नॉलेज। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, उसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है शिक्षा के प्रति वो सबसे ज़्यादा अग्रणी होता है, इसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हमारे शिक्षा में मिस ईसा सैंपल हैं, उन्होंने कहा है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डस्ट, और दूसरा उन्होंने कहा है कि नारी के लिए बात की है वुमेन इज द पावर ऑफ द डिवाइन पावर। इसी के लिए दोनों के लिए हम शिक्षा की बात में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस करते हैं कि शिक्षा का प्रसार करने के लिए गांव और ग्रामीण तक टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तभी महिलाएं जागरूक होंगी और सशक्त होंगी। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैडम मेरा यही है कि सरकार को महिलाओं की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। जब महिलाएं शारीरिक रूप से सबल होंगी, स्वस्थ होंगी, तो अपने आप आत्मविश्वास जगेगा। हमारे उम्र में कितना अंतर है सिर्फ शारीरिक का, अगर वो भी इक्वली सक्षम हो जाती हैं तो अपने अंदर से आत्मविश्वास अपने आप आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो जैसे लोगों ने कहा कि जागरूकता की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर रचना मिश्रा, महिलाओं के लिए जो आप ग्रामीण महिलाओं की बात कर रही हैं, तो ग्रामीण में अगर हम कोई भी चीज़ स्कीम तो चल रही है बट उतनी प्रॉपर नहीं है। पहले उन्हें जैसे सर ने बताया कि उनको साक्षर करने की ज़रूरत है, साक्षर होंगी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में फुलफिल है, जागरूक भी वही बना देगी, रोजगार भी वही दिला देगी, कॉन्फिडेंस भी वही ला देगी। फिर भी पॉइंट में बात करते हैं तो एक तो उनकी साक्षरता की बात है, स्कीम्स ऐसी लाई जाएं जो जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो घर घर या इवनिंग क्लासेस या ऐसी, जिससे वो पहले साक्षर बने, और दूसरा है उनको स्वावलंबी या स्वरोजगार की भी शिक्षा दी जाए। हाँ। क्योंकि जब पैसा आता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी कि एक गांव में मैं सर्वे के लिए गई थी, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि मास्टर जी आते हैं, गुटखा खाते हैं, थूकते हैं और बिना पढ़ाई चले जाते हैं, तो कैसे शिक्षा फैलेगी? देखिए, ये आप उनका व्यक्तिगत होगा। शिक्षा में हम पहले शिक्षक बनाते टाइम ही ये बताते हैं कि आपके आदर्श क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर कोई ये सीखने के बाद भी अगर करता है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत है। शिक्षा ऐसा कभी नहीं सिखाती कि आप गलत रास्ते पर चलें। वही चीज़, वही सवाल है ना, फिर कैसे सशक्त होंगी नारियाँ घर ग्रामीण? नहीं तो स्कीम्स ऐसी चलाई जाए ना, स्कीम्स ऐसी चली जाएँ जो महिलाओं द्वारा ही चलाई जाएँ, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वही उसकी कार्यकर्ता हों, वही उस चीज़ को समझ सकती हैं कि ये जब जागरूक होंगी तो देश कहाँ जाएगा। ओके। तो इसलिए महिलाएं ही उसकी कार्यकर्ता हों। ओके। तो उनको ज़्यादा बल मिलेगा, समझना भी आसान होगा, और क्षेत्रीय महिलाएँ हों तो और भी अच्छा है। ओके। क्योंकि उनके साथ वो मिलती जुलती हैं, इसीलिए जब शहर से कोई पहुँचता है तो वो चीज़ें उतनी वो कम्फर्ट नहीं फील करती, बट क्षेत्रीय महिला होंगी तो उनके साथ वो कम्फर्ट होंगी। हाँ, डॉक्टर सुमन अवस्थी, मैं प्रवक्ता हूँ बीएड डिपार्टमेंट में। हम यही कहेंगे कि गाँव तक जो शिक्षा पहुँच, शिक्षा और जागरूकता, इन दो शब्दों को लेंगे, क्योंकि शिक्षा की जो साक्षरता वाली बात है वो तो अभी पूर्ण रूप से बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू हुई हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए जागरूक होना, जागरूक इतने नहीं है, क्योंकि महिला सामाख्या जैसी जो योजना सरकार की तरफ से शुरू हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, उनको जागरूक बनाना और शिक्षित बनाने के लिए, लेकिन उसके प्रति भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग उस तरफ ध्यान दें और आगे बढ़ कर के सहयोग करें सरकार का, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। जी, मैं मुक्तिमणि शुक्ला, बीएड डिपार्टमेंट से बीएड प्रवक्ता। मैं अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बारे में बात करना हो या उनके सशक्तिकरण की बात करनी हो तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे सभी लोग बता रहे हैं कि योजनाएं सही ढंग से वहां तक पहुंचाई जाएं, यानी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, बनी नहीं है योजना, ऐसा तो कहना गलत होगा। स्कीम बहुत चलाई जा रही है, सभी लोग इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बट ये जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनको उनका संज्ञान नहीं है, या फिर कह लीजिए उनका क्रियान्वयन कैसे होना है वो उनको नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पर या कह लीजिए ग्रामीणों में कुछ ऐसे समूहों का निर्माण किया जाए जो कि उनको पर्सनली उसका क्रियान्वयन किस तरह से करना है या उससे किस तरह से लाभान्वित होना है ये वो जान सकें और उसको अपने तरीके से उसका प्रयोग कर सकें और उसका लाभ उनको तक मिल सके और वो सशक्त बन सके। मैं डॉक्टर अनुराधा घटक,
मैं इतना ही कहना चाहूँगी, स्पेशली अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो वो जो भी काम कर रही हैं, अगर उनके पास रोज़गार भी है तो उनकी प्रति व्यक्ति आय को इंक्लूड किया जाए। जैसा कि अभी मैम ने भी बताया था कि अगर वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और दूसरा ये है कि उनको सिर्फ मात्र एक मनोरंजन के साधन के रूप में न देखा जाए, जैसा कि ज़्यादातर महिलाओं के लिए एक दृष्टिकोण है यहाँ समाज में, उनको सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाए। और पुरुषों में महिलाओं में डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही नहीं होगा अगर दोनों की मानसिकता सेम रहेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके रोज़गार के अवसर को बढ़ाया जाए, और उसके लिए शिक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगी पहले पुरुष को शिक्षित किया जाए कि वो इस बात को समझे, और फिर महिलाओं को वो आगे बढ़ने का मौका दे। मैं पल्लवी प्रजापति, और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको पहले शिक्षित करें, कि उनको बताएं कि उनके लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वो हम शिक्षा के माध्यम से ही बता सकते हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली योजना, सुकन्या धन, उनके जो जितने भी ये योजनाएं चलती हैं उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। जब उनको रोज़गार मिलेगा तब उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो महिला साक्षरता, हमारे जो योजना चल रही जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो पूरा होगा। लेकिन वो करेंगे कि आत्मनिर्भर तभी बनेंगी जब उनमें रोजगार मिलेगा और वो अपने आप को समझेंगी कि आज हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। HKP स्कूल से लक्ष्मी हूँ, एज ए स्पोर्ट्स टीचर। मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो हो गया, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो करके वो अपना सुरक्षा कर सकती हैं। और आए दिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं रास्ते में आते जाते, तो वो खुद से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अदर वो अच्छे से फुलफिल किया जाए। आई होप, मैं यही चाहूँगी। इंटर कॉलेज सीतापुर से रचना रस्तोगी लेक्चरर हूँ, और मेरा ये सुझाव है कि देखिए गांव में नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। अगर नुक्कड़ नाटक के थ्रू उनको महिलाओं को कोई भी योजना बताई जाएगी, या उनके जो भी इतने आपके जितने भी ये मिशन शक्ति के तरीके चलते हैं या जितनी हेल्पलाइन चलती हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा तो वो जल्दी सीखेंगे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक उनकी ही भाषा है, उनके ही तौर तरीके हैं, वो उनको आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि कोई भी अगर योजना है तो उसके ऊपर नाटक बनाया जाए, उसके लिए पर्चे छपवाए जाएं, और जो लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है वो भी सब बहुत अच्छा रहे। अभी आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था कि कमी कहाँ पे रहती, तो देखिए हर एक चीज़ की एक चेन चलती है, उस चेन में अगर कोई भी एक कड़ी टूटी तो वो पूरी चेन टूट जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि अधिकारी कहाँ फॉल्ट वाले हैं या महिलाओं तक नहीं पहुँचा या ग्राम प्रधान नहीं हो रहे। मैं इतना जानती हूँ कि एक कड़ी है, कड़ी की वो एक चेन की कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए।